आज मैं आपके लिए लिख के आई हूँ 3 मेजर हेयर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। फर्स्ट हेयर फॉल की प्रॉब्लम, सेकंड हेयर रीग्रोथ की प्रॉब्लम और थर्ड टाइम से पहले वाइट हेयर होने की प्रॉब्लम। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट और इजी से सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। फर्स्ट इजी सा मेथड है हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम इसमें यूज करेंगे मस्टर्ड ऑयल। जैसे कि आपको पता है कि ये सरसों का तेल हर घर में ही प्रेजेंट होता है और इसके ढेर सारे बेनिफिट है क्योंकि इसमें ढेर सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और ये रिच इन प्रोटीन है, और जो प्रोटीन है वो हमारे बालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सरसों के तेल में। सो ये हमारे लिए हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने सरसों के ऑयल के साथ कैसे मसाज करनी है, आपने सबसे पहले सरसों का ऑयल लेना है और उसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और देन आपने सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर्स की हेल्प के साथ धीरे धीरे से मसाज करनी है। कुछ लोग मैंने अक्सर देखे बहुत ज़्यादा तेज तेज अपने सिर की मसाज करनी करते हैं, बट आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप्स की हेल्प के साथ अपने सर की अच्छी तरह से मसाज करनी है और फिर आपने वार्म टॉवल के साथ अपने हेड को अच्छी तरह से कवर कर लेना है और कुछ टाइम तक वार्म टॉवल के साथ जब आपका सिर कवर रहेगा और जो सरसों का ऑयल होगा वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्कैल्प के अंदर, तो आप अपना हेड उसके बाद वॉश कर सकते हो नॉर्मल वाटर से। आपने गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, सरसों का ऑयल लगाने के बाद कभी भी आपने बाहर नहीं जाना क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे जो डस्ट होगी वो आपकी स्कैल्प को चिपक जाएगी, फिर आपका हेड फिर से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा और इस जो ये सॉल्यूशन है, जो ये टिप है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। सो प्लीज़ सरसों का ऑयल लगाने के बाद आपने घर से बाहर नहीं जाना। बेस्ट मेथड यही है, आपने अपने हेड को वार्म टॉवल की हेल्प से कवर कर लेना है। सो आप देखोगे कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाएगी। ऐसा आपने वीक में 2 बार ही करना है। सो ये था मेरा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इजी सा सॉल्यूशन हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सेकंड मेथड है हेयर फॉल और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिन लोगों के ग्रे हेयर टाइम से पहले ही हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए हम यूज करेंगे अनियन। आपने अक्सर सुना होगा कि अनियन का जूस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारे जो टाइम से पहले ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। और आपने इसको कैसे यूज करना है, आपने 4 टेबलस्पून अनियन का जूस लेना है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा उसमें मिक्स करनी है और इसको अच्छी तरह से अपने रूट्स पे अप्लाई करना है। कम से कम आपने इस मिक्सचर को 1/2 आवर अपने स्कैल्प पे लगा के रखना है, फिर आप 1/2 आवर बाद अपना सिर शैम्पू से वॉश कर सकते हो। तो आप देखोगे अगर आप इस आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं तो आप इस मेथड को वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करो और फ़र्क आपको खुद ब खुद नज़र आएगा कि आपका हेयर फॉल कैसे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो, मींस हर वीक में आप एक बार ये इस अनियन और एलोवेरा के मिक्सचर को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हो तो आपकी धीरे धीरे जो आपके हेयर्स का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, आपकी डेंसिटी भी हेयर की बढ़ेगी और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। सो ये था सेकंड इजी मेथड हेयर फॉल और वाइट हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो नेक्स्ट मेथड है हेयर रीग्रोथ के लिए, वो ये है कि आपने दिन में 2 बार कम से कम अपना हेड डाउन करके अच्छी तरह से कॉम्बिंग करनी है। अगर आप ऐसा करोगे जो आपका जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेट होना अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगा और जिसके कारण हेल्प मिलेगी आपके हेयर्स को रीग्रोथ करने में, तो ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल सा मेथड है। सो प्लीज़ जब भी आप कॉम करो तो ट्राई करो अपना हेड नीचे कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट्स के लिए नीचे डाउन करके अपने अपनी कॉम्बिंग करनी है। सो ये बहुत ज़्यादा इजी और क्विक मेथड है आपके हेयर रीग्रोथ करने के लिए। सो फोर्थ मेथड है हेयर रीग्रोथ करने का, आपको देखे आइडिया हो गया होगा कि मैं अपने फिंगर्स की नेल्स को अच्छी तरह से रब कर रही हूँ। यही है हमारा फोर्थ मेथड, अपनी नेल रब करना, आपने फिंगर्स की अपनी नेल्स को रब करना है। जब आप अपने फिंगर्स की नेल्स को इसको रब करोगे तो आपकी स्कैल्प में टिंगलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप फील करोगे कि आपकी
स्कैल्प में आपको फील होना कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी हेल्प से आपके हेयर में रीग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये मेथड थोड़ा सा स्लो है बट इसके रिजल्ट 100% ही होते हैं। तो आपको इसके रिजल्ट 2-3 मंथ बाद मिलेंगे। तो आपने ये मेथड कैसे करना है, डेली 2 बारी 5-5 मिनट तक आपने अपने फिंगर्स के नेल को अच्छी तरह से रब करना है। सो ये है हमारा इजी सा मेथड हेयर रीग्रोथ करने के लिए। 5-5 मिनट आपने 2 बारी दिन में ऐसा ज़रूर करना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ये वाला प्रोसेस, ये वाली एक्सरसाइज भी कह सकते हो, ये ज़रूर कर सकते हो। सो अगर आप इसको करोगे तो आपके हेयर है वो दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो वाइट हेयर भी हैं वो भी धीरे धीरे से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है बट इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये था मेरा 4th इजी सा मेथड हेयर रीग्रोथ करने के। सो ये थी मेरी आज की वीडियो हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ और वाइट हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। अगर इनकी हेल्प के साथ भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ 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 सबसे पहले आप फाइंड करो कि आखिर में आपको हेयर फॉल इतना हो क्यों रहा है, क्यों आपको ये प्रॉब्लम हेयर से रिलेटेड फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हेयर फॉल होने के एक्चुअल में क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो और फाइंड कर सकते हो अपने हेयर फॉल होने के एक्चुअल में रिजल्ट। सो ये थे मेरे सिंपल से ईजी से टिप्स हेयर रीग्रोथ और हेयर फॉल और वाइट हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू so much for watching. Bye bye.